हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं व्रत के लिए बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है मखाने के लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। इन्हें खाने के बाद आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं लगेगी, जो व्रत में वीकनेस लगती है। आप इन्हें एक बार बना के रख लीजिए और पूरे 9 दिन तक खाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए आज की मेरी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो देर ना करते हुए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। तो ध्यान रखें, इन लड्डू को बनाते समय देसी घी का ही यूज़ करें। तो थोड़ा सा घी ले लिया है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 3 से 4 छोटे चम्मच देसी घी। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, तो घी को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, गैस कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर हमें चाहिए मखाने, तो ये मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं। अगर मेजरिंग कप से नापेंगे तो 4 कप के करीब ये मखाने हैं। और इसी के साथ हम इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे बादाम और काजू लिए हैं। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो काजू बादाम हैं उनको हम हल्का सा घी में भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है। तो बस टोटल 1 मिनट लगा है इसको भूनने में। अब हम इन्हें घी में से निकाल लेंगे, हल्का सा कलर इनका चेंज हो गया है तो निकाल लेते हैं इसे। तो बस फिर से सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। थोड़ा सा घी ऑलरेडी कढ़ाई में है, तो 2 छोटे चम्मच के करीब और डाल देंगे और गैस मीडियम फ्लेम पे ही रहने देंगे। अब इनमें हम मखानों को डालेंगे और बीच बीच में चलाते हुए मखानों को हमें भूनना है, मतलब एकदम क्रिस्पी से हो जाने चाहिए मखाने। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मखाने भून चुके हैं। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे हल्का सा मखानों का कलर चेंज हो गया है और क्रिस्पी से लग रहे हैं देखने में। तो इस तरीके से आप एक मखाने उठाएंगे और इसको हल्के हाथों से इस तरीके से दबाएंगे, थोड़े से गर्म है ये देखिए आसानी से टूट रहे हैं। तो इसका मतलब मखाने हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं। इसी तरीके के मखाने चाहिए तो गैस को बंद कर देंगे और इसे मिक्सी में हम एकदम फाइन पीस लेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनको भी हम पीस के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मखानों को हमने एकदम बारीक पीस लिया है, कुछ इस तरीके का पीस के ये रेडी होगा। आप देख ही सकते हैं इस तरीके का पिसा हुआ होना चाहिए मखाने। मखाने अभी हल्के से गर्म है तो हम इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे काजू बादाम, जिनको हमने पीस के रेडी कर रखा है। तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं काजू बादाम को, लेकिन इस तरीके से अगर आप पीस के डालेंगे तो टाइम भी बचेगा और ये लड्डू खाने में टेस्टी भी लगेंगे। तो डाल देते हैं इन्हें। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है इस तरीके से। आप यहाँ पर अनसॉल्टेड पिस्ता भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, साथ ही में इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे काली मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। चीनी को अच्छी तरीके से पीस लें मिक्सी में, पाउडर शुगर रेडी हो जाएगा। तो 1/2 कप है ये, एक साथ सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो बस सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो ये मिक्सिंग बाउल है मेरा, थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ बड़े से बाउल में, जिससे कि लड्डू बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो देखिए, मीठा आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप पाउडर शुगर लिया था, जो कि मैंने इसमें सारा डाल दिया है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप मीठा कम यूज़ कर सकते हैं। मैंने पूरा 1/2 कप के करीब इसमें डाला है पाउडर शुगर। तो अभी ये काफ़ी ड्राई सा लग रहा है, तो हमने इसमें घी भी बहुत कम डाला है। तो ये जो बचा हुआ घी है इसको मैंने गरम कर लिया है हल्का सा, और अब इसमें हम डालेंगे। तो सारा घी नहीं डालेंगे, 3 से 4 चम्मच के करीब हम इसमें घी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे।
तो घी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला दूध होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। तो दूध इसलिए डालेंगे जिससे कि लड्डू बनाने में आसानी हो, मतलब बाइंडिंग अच्छे से हो सके। तो ज़्यादा दूध नहीं चाहिए, 5 से 6 चम्मच दूध काफ़ी है। तो थोड़ा सा दूध डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से देखेंगे, अगर थोड़े से दूध की ज़रूरत हुई तो हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। तो बस अब हम चेक कर लेते हैं कि और दूध की हमें ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरीके से दबा के देखेंगे कि लड्डू हमारे बन पा रहे हैं या नहीं। देखिए बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना, बस इतना डालना है कि आसानी से हमारे लड्डू बन जाएँ। तो बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहे हैं। अब हम इसमें से लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो जैसा भी साइज़ आपको पसंद हो, छोटा या बड़ा, वैसे आप लड्डू बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें हल्के हाथों से इसे दबाते रहना है और फिर दोनों हथेलियों के बीच में रख के इसे हल्का सा इस तरीके से गोल कर लेंगे। और ये देखिए, ये लड्डू बनके तैयार है और बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इस लड्डू वाली रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने। तो बस इसी तरीके से बाकी लड्डू बना के हम रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए, सभी लड्डू हमने बना के तैयार कर लिए हैं और लड्डुओं के ऊपर हमने पिस्ते को गार्निश कर दिया है कुछ इस तरीके से, जिससे कि दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो इस नवरात्रि आप इन लड्डुओं को बनाइए और खाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। वीडियो आज की मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।